हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस स्टडी चैनल पे। मैं हूं अंकित कुमार राणा और इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती 2020 आप लोगों के बीच आ चुकी है और वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ पर 4513 वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, मेल एवं फीमेल दोनों के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सबसे पहले 1000 लाइक का टारगेट है। और चलिए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें। हम आपको सीधा वेबसाइट पर लेकर आते हैं, वेबसाइट और यहाँ पर जो डायरेक्ट जो कि आपको हम काम की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2020 अप्लाई ऑनलाइन ऑल इंडिया के नाविक एंट्री 2020 बैच, ये वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आए, जो कि आप इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। एग्जाम सरकारी अपडेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं। कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2020 अप्लाई ऑनलाइन कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पर भर्ती निकल कर आई है। और इसका जो हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्टिंग कब से होगी, तो यहाँ पर 15 मार्च से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट 25 मार्च स्टार्टिंग है। लास्ट डेट 25 मार्च 2020 है, ठीक है। सारे कुछ हम बात करते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बोर्ड नेम की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड रहने वाले, टोटल पोस्ट की बात करें तो बहुत बड़ी भर्ती है मेरे भाई, ठीक है। 4513 भर्ती है यहाँ पर, और इसमें दोनों है, मेल एवं फीमेल दोनों के लिए। पोस्ट नेम की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी, जो कि नाविक GD के नाम से जानते हैं। अप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड होगी, और जॉब कैटेगरीज की बात करें तो डिफेंस की जॉब होगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की होगी, ठीक है। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और जेंडर की बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि मेल एवं फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जोधपुर, जलंधर, नोएडा, वाराणसी, गुवाहाटी, प्रदीप और कोलकाता एंड बिहार, ये सारे जगह पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर लिया जाएगा, ठीक है। इस बार बिहार में भी सुविधा दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल, रिटन, मेडिकल, ये सारा कुछ सिलेक्शन रहेगी प्रोसेस, ठीक है। एडमिट कार्ड यहाँ पर डेट मेंशन नहीं किया गया है। ट्रेवल एक्सपेंसन जो कि STSC के लिए फ्री है, और पे स्केल की बात करें तो 21,700 से रुपया जो आपको मिलेगी, ठीक है। प्रमोशन होती है तो आपको यहाँ पर चांस जो है बढ़ जाती है, 47,600 रुपया पर मंथ मिलेगी। रिटन टेस्ट डिटेल्स की बात, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगी, और इंग्लिश जो कि रहेगी 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर भी इसमें रहेंगे, ठीक है। फिजिकल टेस्ट डिटेल्स की बात है तो 1.6 किलोमीटर रनिंग चाहिए और 7 मिनट्स में, और 20 स्क्वाट्स उठक बैठक, 10 पुशअप चाहिए आपको। फिजिकल क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर, हाइट जो है 1.5 cm चाहिए, ठीक है, cm चाहिए। और चेस्ट फीमेल के लिए नहीं होती है, हेयरिंग जो होता है नॉर्मल होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट कितनी चाहिए, तो 18 और 22 इनके बीच होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं 1/2/1998 से लेकर 31/01/2002 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, 5 ईयर का आपको जो छूट मिलेगा STSC से बिलोंग्स करते हैं तो, ठीक है। और 3 ईयर का जो OBC से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास मांगेंगे, 10th पास जो कि किसी भी बोर्ड से हो, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। अप्लीकेशन फी कोई फी नहीं लगेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से स्टार्टिंग है, रजिस्ट्रेशन क्लोज जो है 25 मार्च 2020 से स्टार्टिंग है। कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर कि आप कुछ भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। कैसे लगे वीडियो ये जरूर बताना, और जाकर विजिट करो इस वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। और सारा कुछ डिटेल्स मैं लिंक दे दूंगा नीचे, और जाकर चेक कर सकते हो अपने से।